वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है, कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं दीपक? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको मंच दिखाना चाहेंगे। मंच जहां पर अब से कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह 12:30 बजे इस मंच पर तमाम नेता जो हैं पहुंचेंगे। तमाम फिलहाल तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर इस पर प्रधानमंत्री की कुर्सी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की है, उनके साथ में जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, नायब सिंह सैनी यहां पर मंच पर होंगे, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री होंगे। इसके अलावा कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुर्सी यहां पर लगाई गई है, ठीक इस तरह वो कुर्सियां भी लगाई गई है जो आज यहां मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, मंत्री बनने को लेकर के शपथ लेंगे। उसके साथ साथ आपको एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये पंडाल की तस्वीर है जहाँ तमाम विधायक और जो तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे आगे के जो तमाम नेता है आपको दिखाएंगे कि शक्ति रानी शर्मा, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, कालका से विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे उनके साथ में कमलेश डांडा बैठी हुई हैं। तमाम जो नेता हैं, चाहे रामविलास शर्मा की बात की जाए, दादा गौतम तो है यहाँ पर बहुत है, निखिल मदान हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, कैप्टन अभिमन्यु हो गए, मूलचंद शर्मा हो गए, तमाम जो लोग हैं इस मंच पर हैं। टेकचंद शर्मा जो हैं वो इस मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरों पे आप सीधी तस्वीरें यहाँ से आप देख रहे हैं। अगर बात करें तो इस कार्यक्रम स्थल की जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आपको ये तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा पंडाल दिखा रहे हैं आपको, सीधी तस्वीरों पर आप देखेंगे तो तमाम नेता, और इसके साथ साथ पीछे की तरफ देखेंगे पूरा पंडाल जो है लोगों के जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, तमाम पूरे प्रदेश भर से जो लोग हैं। ठीक है दीपक, बने रहिए हमारे साथ, और आपके पास जब अभी लौटूंगी तो कोशिश अगर हो पाएगी तो जो संभावित मंत्रियों के नाम इस वक्त रेस में है अगर उनसे बातचीत हो पाएगी तो आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा की आप तस्वीरें दिखा रहे थे उनका भी अगर नाम जो है रेस में हो तो, और जो तमाम चेहरे हैं जो जिनका संभावित मंत्रियों के नाम जो रेस में है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। फिलहाल साहिल आपका रुख करते हुए, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं क्या जानकारी है, जो तमाम रूट डायवर्जन किए गए हैं और जो वीवीआईपीओ के लिए रूट सेलेक्ट किया गया है वो क्या कुछ रूट हैं और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं पंचकुला के मनसा देवी की तरफ जो रोड जाता है वहां मौजूद हूं। यहाँ जो है रूट जो है वो पुलिस की ओर से डाइवर्ट किया गया है, वैकल्पिक रास्ता भी जो है वो खोला गया ताकि इमरजेंसी सेवाएं जो है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो। तो यहाँ पंजाब पुलिस के जवान के साथ साथ चंडीगढ़ की पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया। तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पुलिस की ओर से नाका लगाया गया है और एक एक वाहन को चेक किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि वो किस ओर जाएंगे, क्योंकि जहाँ शपथ समारोह ग्रहण के लिए जो पंडाल बना है या फिर वो दशहरा ग्राउंड है उस ओर जो चारों रास्ते हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कल दो दिन पहले ही पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक वो एरिया जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। जो लोग हैं वो अपना वैकल्पिक रास्ता चुने, अगर कोई इमरजेंसी काम है तो वो दूसरे रूट से जो है वो अपने गंतव्य की ओर जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी यहाँ डिप्लॉय की गई है, पंजाब पुलिस के जवान जो है वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कौन कौन सा रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया। सर, किस तरीके के रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए, लोगों को दिक्कत ना हो? मेन ये है ना, यहाँ जो मनीमाजरा है या भीड़ वाला इलाका है तो हमने यहाँ से क्लोज किया है कि जब वहाँ से आएगा तो ये ट्रैफिक वाले रोकेंगे इनको, और उसके बाद हमारा कोई स्पेशल कोई ऐसा कोई बंदा कोई ये इनकी हेल्प के लिए हमारा यहाँ से डिवर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं हमारा, बाकी चारों तरफ से है सारा, आपको मालूम ही है सारा सिस्टम जो है सारा बढ़िया प्रोग्राम किया है चंडीगढ़ पुलिस का, अच्छी सिक्योरिटी चारों मेन है, आईटी पार्क वाला ये इधर से जो जहाँ समारोह है वहाँ जाने के लिए मेन रोड है ये। तो
साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे समझेंगे कि कौन कौन सा रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। साक्षी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस की ओर से रूट डाइवर्ट किया गया है, जो दशहरा ग्राउंड है उसके चारों तरफ से जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, लोगों को दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से हम सभी को पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके लिए खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा दो दिन पहले ही जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने अपनी एडवाइजरी जो है ट्रैफिक एडवाइजरी वो जारी कर दी थी 16 और 17, यानी कल और आज के दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक, जो चारों तरफ से दशहरा ग्राउंड, शालीमार ग्राउंड जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है उसके जो चारों तरफ से रास्ते हैं उसे पूरी तरह से सील किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सेक्टर 4 और 5 की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो शहीद उधम सिंह चौक 9-10 ट्रैफिक लाइट्स, 8-9 की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि शहीद भवन चौक है और गीता चौक है, दोनों तरफ से 16 और 17 अक्टूबर को ये जो चारों तरफ से शालीमार ग्राउंड है ये सारे चौक के रास्ते पूरी तरह से बंद किए गए हैं। तो सभी जो दर्शक हैं उनसे अपील है कि इनके जो वैकल्पिक रास्ते हैं उन वो रूट्स जो हैं वो अपनाए जाए। आज थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं लेकिन फिर भी जो पूरा अमला है वो सड़कों पर मुस्तैद है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद उनका जो काफिला है वो वहाँ से निकलेगा। वहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अगर बात करें तो ट्रिब्यून चौक पहुँचकर, ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट्स पहुँचकर, ट्रांसपोर्ट लाइट्स के बाद हाउसिंग बोर्ड चौक और हाउसिंग बोर्ड चौक से सीधे 5 सेक्टर पंचकुला शालीमार ग्राउंड तक ये जो रूट है पीएम का ये रखा गया है। हालांकि फिलहाल जो रूट ए है वो यही है लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए कई मामले होते हैं तो ए बी सी कई सारे रूट्स होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो फिलहाल यही रूट है। लेकिन अगर सिक्योरिटी किसी भी तरह का बदलाव रखती है तो रूट में चेंजेस और बदलाव जो है वो वैकल्पिक रूट्स को भी अपनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो रहने वाला है, इसके बाद जब ललित होटल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण स्थल से जाएंगे तो सेक्टर 5 पंचकुला जो हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 पंचकुला जो शालीमार ग्राउंड है वहां से हाउसिंग बोर्ड होते हुए और उसके बाद आईटी पार्क होते हुए होटल ललित की ओर वो जाएंगे। फिलहाल हम देख सकते हैं कि लगातार दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं कि कई सारे जो बड़े लोग हैं वो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जिसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हो, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल हो, ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम है, मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा, केशव प्रसाद मौर्य, पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, तमाम जो बड़े लोग हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई, इसी के साथ एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है, तमाम लोग जो हैं ये सब एयरपोर्ट पर पहुंचकर लगातार फिलहाल होटल ललित का रुख कर रहे हैं और जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए कुछ देर बाद वहां पर जो 5 सेक्टर का स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल सड़कों पर आप देख सकते हैं जिस तरह मेरे सहयोगी साहिल ने भी आपको दिखाया, अगर पीछे की ओर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से नाकेबंदी की हुई है। हालांकि जो रास्ते सेक्टर 5 को जाते हैं उन रास्तों को तो पूरी तरह से सील किया हुआ है लेकिन फिलहाल आप जो देख रहे हैं रास्ते, ये रास्ते खुले हुए हैं लेकिन पुलिस की नाकेबंदी यहाँ पर पूरी तरह से है। किसी भी तरह की कोई गतिविधि जो हो रही है, कोई अप्रिय स्थिति ना हो या किसी भी तरह की जो संदेहास्पद गतिविधि है उस पर भी नजर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री और तमाम जो देश के इतने सारे लगभग 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं उनकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एक बहुत बड़ा इवेंट जो है ये हरियाणा पंचकुला की धरती पर आज जो है होने जा रहा है, तो इसके नजरिए से पूरी तरह से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर जिस तरह साहिल ने बताया कि मुस्तैद हुई है, चंडीगढ़ पुलिस तो है ही है यहाँ पर, पंचकुला पुलिस भी अलग अलग, पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों की जो पुलिस है उनका डिप्लॉयमेंट भी कई बड़ी संख्या में पंचकुला में किया गया है और पंजाब पुलिस जो है उनकी भी ड्यूटीज यहाँ पर लगाई गई है। तो कहीं भी